ये देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर, देखते आज की कुछ खास खबरें। चार युवकों की डूबने से मौत, नदी में कूदे, कीचड़ में फंसे। चिखली जुनगांव परिसर स्थित बारा भाई मोहल्ला के छह युवक रविवार को दोपहर 3 बजे जाबवती नदी में तैरने के लिए गए थे। इस दौरान चार युवकों ने नदी में छलांग लगाई, किंतु कीचड़ में दलदल में फंसने से चारों की मृत्यु हो गई। इस घटना से शोक की लहर छा गई है। शहर के पास से बहने वाली जामुवती नदी बहती है। हमेशा जाते थे तैरने, उन्हें डूबते देखकर उनके साथ आए दो युवकों ने उन्हें बचाने के लिए चीख पुकार की। चारों को बचाने के लिए लोग नदी के ओर भागे, लेकिन ज्यादा पानी और कीचड़ में धस जाने से चारों लड़कों की मृत्यु हो गई। मृतकों के नाम शेख रिजवान फिरोज, वशिम शाह, इरफान शाह, शेख तौफिक, शेख रफीक, शेख साजिद शाफिक है। 10 लाख की अवैध शराब जब्त, जहां दो चौपहिया वाहन से 8.5 लाख हुए जब्त। गोंदिया विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सभी पहलुओं पर जिला पुलिस प्रशासन सज्ज है। इसके तहत चिचगढ़ थाना अंतर्गत अंतर राज्य व अंतर जिला सीमा पर विशेष गश्त पर है। इस दौरान गुप्त जानकारी मिली, ग्राम काकोड़ी से महका रोड पर महका ग्राम से सफेद रंग की स्कॉर्पियो आ रही थी। उसे रोकने पर वाहन चालकों द्वारा वाहन सहित भागने का प्रयास करने पर उसका पीछा कर कुछ दूरी पर पकड़कर जांच की गई, जिसमें जीओए नाम से अंकित 38 बॉक्स जिसमें विस्की, शराब, पोवे व ब्लू विस्की, कुल मिलाकर 10 लाख रुपए की अवैध शराब बिना लाइसेंस के यातायात करते हुए पकड़ी गई। मामला दर्ज कर चालक को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही साथ इस दौरान पतंगा नाका परिसर की जांच चौकी पर अलग अलग दो वाहनों से 8.5 लाख जब्त कर जिला कोषागार कार्यालय में जमा कर दिए गए हैं। गोंदिया कृषि केंद्रों में किसानों से धोखाधड़ी व नकली कंपनियों की सामग्री बिक्री के अनेकों प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिसमें नुकसान के चलते किसान संकट में घिरते जा रहे हैं। कृषि बीज, कीटनाशक व रासायनिक खाद आदि बिक्री करने वाले जिले के 56 कृषि केंद्रों के संचालकों को उड़ान दस्तों द्वारा जांच के बाद कारण बताओ नोटिस दिया जा चुके हैं और जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।